Hello everyone, welcome back to my channel। तो जैसे कि इसके पहले बनाया था हमने साड़ी वाला छुटको सा इलास्ट्रेशन, तो मैं सोच रही हूँ कि 3-4 कंटिन्यूस इंडियन वेयर की रखते हैं, मतलब साड़ी के डिफरेंट टाइप की। तो ये होती है हर इलास्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले विधि। तो जैसे कि नॉर्मल हम कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले इरेज तो करती हैं, तो आजकल मैं डायरेक्ट ये नीडेड वाले इरेजर से इसको करने लगी हूँ क्योंकि इससे इजीली भी हो जाता है और हल्का हल्का सा ही रफ होता है। तो इधर मैंने स्किन रेंडरिंग करना स्टार्ट कर दिया और पहले मैं वाटर कलर से करी थी जो कि मस्त नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ये फैब्रिक कलर्स ले लिए। कलर्स का मतलब ऐसे ही आपको जो मस्त लगता है ना वो उठा लो, ऐसे कोई बाउंड्रीज नहीं है कि ये यूज़ करेंगे तो अच्छे, ये यूज़ करेंगे तो अच्छे। आप जिस मीडियम से कंफर्टेबल है ना वही मीडियम आपके लिए बेस्ट है। मैंने 5-7 दिन पहले तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं इसे चुटकू से इलस्ट्रेशन भी बना रही होंगी। बस मैं तो एक्चुअल में ना मेरी पुरानी बुक थी एक, तो मैं उसको देख रही थी। चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो यही वाली वो बुक थी, मैं ऐसे ही देख रही थी कि मैंने चाह यार कि तो छोटे बनाया, मैंने कैसे बनाए होंगे। तो बस इससे ही मुझे सारा आइडिया आया, तो मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की। तो मैंने सोचा इतने ज़्यादा छोटे तो नहीं, इससे थोड़े से बड़े बनाते हैं ताकि मैं फेस भी अच्छे से बना पाऊँ। तो जो मिनिमम लेंथ है ना इनकी वो 5 इंचज़ ही है और फेस तो मतलब आधे इंच का है करीब। इधर स्टार्ट हो चुकी है हमारी हेयर स्टाइल बनना, जिसमें कि मैं ब्राउन यूज़ कर रही हूँ और शेडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लैक। तो ब्रश तो बहुत बारीक है पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है काश और बारीक ब्रश होता, उससे और फाइन डिटेलिंग्स आ जाती। तो इधर मैंने हिम्मत करके स्टार्ट कर दिया था फेस बनाना। मैंने सोचा था बिगड़ भी जाएगा ना तो इसके ऊपर दूसरा चिपका दूँगी, पर बनाती तो ट्राई करती हूँ। तो इसके पहले वाले इलस्ट्रेशन में तो चश्मा था पर इसमें आईज भी बनाना थी, तो मैंने इतनी ज़्यादा क्लोज होकर बनाया ना फेस कि पूरी वीडियो में ना मेरा सिर ही सिर आया। मुझे ध्यान नहीं रहा कि वीडियो में दिख रहा है कि भी नहीं बनाते हुए। तो अब जो इसमें जो चैलेंजिंग काम है वो है ये पल्लू बनाना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फ्रिल्स तो मैंने ड्रॉ कर दी है। और वैसे ना एक्चुअल में वाटर कलर से काम करने में मज़ा भी काफ़ी आता है, मतलब जितने प्यारे तरीके से कलर मिक्स हो जाता है ना वो सब, और शेडिंग देना मस्त सेटिस्फाइंग लगता है। तो वैसे एक्चुअल में जो ब्रश है ना ये बहुत सोच समझ के चलता है, पर वीडियो में तो कहीं कहीं फास्ट करना ही पड़ता है, तो उसमें तो फटफट उसमें बड़ा और सेटिस्फाइंग लगता है वैसे देखने में कि कितना इजीली हो रहा है, ऐसा लगता है ना। इधर मुझे लग रहा था लिप्स थोड़े से और प्यारे बन सकते, तो मैं ऐसा डर डर के हल्का सा शेप दे रही थी, पर मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हुए मैं सोचा जैसा बना वैसे ही रहने दो, इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते यदि बिगड़ गया तो। वैसे आपको इसके पहले की रेड साड़ी वाला इलस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला ज़रूर बताना। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।